नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के जगाधरी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कृषि विकास शाखा के बाहर किसान यूनियन ने एक किसान के खाते से 1,17,000 रुपए कट जाने पर प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन के चलते मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने बैंक और किसानों के बीच आकर इस मुद्दे को हल कराया। किसानों ने अपने पैसे वापस लेने के लिए शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखा और शाखा प्रबंधक ने उच्च अधिकारियों को इसे भेजकर मसला हल करवाने का आश्वासन दिया। अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है और नहीं चुकाया है तो आप भी सावधान रहें, क्योंकि अब सेविंग अकाउंट से बैंक ने लोन की राशि काटनी शुरू कर दी है। यमुनानगर के कुंजल गांव के रहने वाले परमजीत ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से 8,00,000 रुपए का कृषि लोन लिया हुआ था। दूसरी तरफ परमजीत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट था। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के बाद भी परमजीत 27 जनवरी 2016 को लिए गए लोन को नहीं चुका पाया, लेकिन जब उसके अकाउंट में गेहूँ की पेमेंट आई तो बैंक ने 1,17,000 रुपए उसके अकाउंट से काट लिए। इस पर मंगलवार को किसान यूनियन की अगुवाई में परमजीत बैंक पहुंचा और उसने कहा कि बैंक ने गलत तरीके से उसके पैसे काट दिए हैं। यदि उसकी लोन की राशि भी काटी गई है तो भी वो गलत है, क्योंकि गेहूं की पेमेंट से ही वो अगली फसल की तैयारी करेगा और अपने परिवार का गुजर बसर करेगा। वहीं परमजीत के समर्थन में आए किसानों ने कहा कि यदि लोन के पैसे सेविंग अकाउंट से कटेंगे तो गलत है, क्योंकि कई बार प्राकृतिक आपदा और फसलों के खराब हो जाने की वजह से किसानों का लोन भुगतान नहीं कर पाते। यदि इस तरह उनके अकाउंट से पैसे कटेंगे तो वे मानसिक रूप से परेशान भी हो सकते हैं। वहीं शाखा प्रबंधक ने बताया कि प्रक्रिया के तहत ही उपभोक्ता के अकाउंट से पैसे काटे गए हैं। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता ने अपनी परेशानी उन्हें बताई है और लिखित में उन्हें आवेदन दिया है, जिसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। यदि प्रक्रिया के तहत पैसे वापस करने का प्रावधान होगा तो वो भी किया जाएगा। फिलहाल किसान ने 80,000 वापस अकाउंट में लेने के लिए आवेदन दिया है। देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी किसान के इस आवेदन को स्वीकार करते हैं या नहीं। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। मेरा नाम परमजीत सिंह है जी। मेरे खाते में पैसे आए जी 1,17,000 रुपये, तो सारी की सारी पेमेंट इस बैंक में, तो यह कोई मर जवाब नहीं दे रहे सीधा, तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो क्या निकल नहीं। इससे पहले आपने बातचीत करी मैनेजर से, रदौर वाले से, क्या काम है? रदौर वाले ने तो कोई राह नहीं दिया जी, ब्रांच में जाओ उसमें, वहाँ पता लगेगा आपको। अगर मान लो आपके पैसे अकाउंट में नहीं आते हैं तो उसके बाद क्या कदम उठाएंगे आप आगे? धरना देंगे जी, किसी ने कुछ तो करना पड़ेगा। अभी तो किसी का दहाड़ी वाले के, किसी के मजदूर के, किसी के पैसे मिल दीजिए अभी, क्योंकि हाथ में मिलेंगे तभी किसी को देंगे पैसे। मेरा तो काम सारा ऐसे वैसे भी कहीं काम है, वो किसी को कोई पैसा नहीं। ये मैटर है जी, बैंक में से पैसे बिना पूछे, किसान के बिना पूछे पैसे काट लिए, और ये किसान इतना मतलब उन्हीं पैसों के ऊपर ही इसका गुजर बसर था, और गुजर बसर था जी। और अब हम पहले तो रादौर शाखा में गए, रादौर शाखा वालों ने कोई हमें रास्ता नहीं दिया, वहीं पे था इसका अकाउंट, और वो बोलने लगे कि जहाँ जिस ब्रांच ने पैसे काटे उस ब्रांच में जाओ। तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं ये क्या बात करते हैं क्या नहीं करते, तो फिर आपको बाद में बताएंगे। किसान आए थे, क्या मैटर था सर इनका? सर इनका हमारे पास कोई केसीसी लिमिट सेंक्शन हुआ था 2016 में, तो इनके खाते एनपीए हो गए थे, तो इसमें क्या इनके सेविंग के कुछ पैसे आए थे, तो हमारे ब्रांच ऑफिसर ने पैसे काट लिए थे, तो खाता एनपीए ठीक करने के लिए, तो किसान यूनियन वाले कुछ बंदे आ गए थे, बल्कि पैसे वापस कर दिया जाए, बट इस चीज़ को बैंक ने अभी देखना है क्या करना है, इस चीज़ को हमने इस तरह की मीटिंग हुई। तो क्या लीगली प्रोसेस के तहत सर ये काटे गए थे पैसे जो है? हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी। क्या प्रोसेस क्या होता है सर वो? इसका प्रोसेस ये है कि बैंक जब कोई लोन लेता है तो बैंक को राइट दे देता है कि अगर वो खाता खराब हो जाए तो बैंक उसका पैसा काट दे सकता, सेविंग अकाउंट से काट सकता। तो सर क्या नाम है इनका जिनका जो लोन था? ये परमजीत सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पास के गाँव के हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।